हेलो एवरीवन, दिस इज़ हरीश गंगवार। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेकर आया हूँ यूपी बोर्ड क्लास टेंथ की इंग्लिश की बुक से चैप्टर मिजिबल द ऑटर। इसके शॉर्ट क्वेश्चंस आंसर्स मैं डिस्कस करूँगा, जो जिसकी लेंथ होगी 30 से 40 शब्द। आपका एग्ज़ाम में बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे लिखा हुआ भी मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेंगी और सबसे पहले आप उस वीडियो को देख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन जो है, व्हेन डिड द ऑथर थिंक टू हैव एन ऑटर इंस्टेड ऑफ डॉग, यानी कब सोचा लेखक ने, कब सोचा एक कुत्ते के स्थान पर ऑटर को पालतू बनाने का। आंसर है, आफ्टर द डेथ ऑफ हिज पेट डॉग द ऑथर बिकेम अलूफ एंड डिसअपॉइंटेड, यानी अपने पालतू कुत्ते की मृत्यु के बाद ऑथर यानी लेखक बिल्कुल अलूफ हो गया था। अलूफ यानी अलोन। वैसे अलूफ और अलोन दोनों ही थोड़े डिफरेंट, मतलब बहुत अगर सिमिलरिटी की बात करें सिमिलरिटी कम है और इनमें डिफरेंस ज़्यादा है। वैसे अलोन शब्द यहाँ पर होता तो ज़्यादा अच्छा रहता, अलोन एंड डिसअपॉइंटेड। तो अपने पेट डॉग की मृत्यु के बाद लेखक अकेला हो गया था और निराश हो गया था। ही थॉट ऑफ हैविंग अनदर पैट, तो उसने एक दूसरा पालतू रखने की सोची। इन दी अर्ली 1956 दी ऑथर ट्रैवल टू सदर्न इराक, तो 1956 की शुरुआत में लेखक ने सदर्न इराक की यात्रा की यानी दक्षिणी इराक की। देर ही सॉ दैट पीपल केप्ट ऑटर्स एज पैट्स, तब उसने वहाँ पर देखा कि वहाँ के लोग ऑटर्स को पैट बना के रखा करते थे। सो ही टू डिसाइडेड टू कीप एन ऑटर एज अ पैट इंस्टेड ऑफ अ डॉग, इसलिए उसने भी अपने मन में सोचा कि कुत्ते के स्थान पर क्यों ना ऑटर को पालतू बनाया जाए, और इस वजह से उसने डॉग के स्थान पर ऑटर्स को पालतू बनाने की सोची। सो दिस इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट एक्सपेरिमेंट डिड मैक्सवेल थिंक कैमस फियरना वुड बी सुटेबल फॉर, यानी मैक्सवेल, गैविन मैक्सवेल जो कि लेखक हैं इस चैप्टर के, उन्होंने कैमस फियरना स्थान को कौन से एक्सपेरिमेंट के लिए उपयुक्त समझा। मैक्सवेल थॉट दैट कैमस फियरना वुड बी सुटेबल फॉर कीपिंग एन ऑटर, मैक्सवेल ने सोचा था कि कैमस फियरना जो स्थान है वो ऑटर को पालतू बनाकर रखने के लिए बहुत ही सूटेबल है। एज ऑटर्स लिव मेनली इन वाटर, क्योंकि ऑटर मुख्यतः पानी में ही रहते हैं। कैमस फियरना वॉज रिंग्ड बाई वाटर एंड वॉज एट अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम ऑथर्स हाउस, कैमस फियरना रिंग्ड बाई वाटर था, इसका मतलब वहाँ पर वाटर बॉडीज जैसे झीलें तालाब ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा थीं, और वो सारी चीज़ें लेखक के घर से थोड़ी दूरी पर ही थीं, क्योंकि कैमस फियरना उसके घर के पास में पड़ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री, डिस्क्राइब हाउ द ऑटर लुक्स लाइक, वर्णन करें कि ऑटर कैसा दिखता है, बिकॉज बहुत से स्टूडेंट्स ने ऑटर के बारे में जाना नहीं होगा। एंड ऑटर कैसा होता है आप थोड़ा गूगल करके भी देख सकते हैं, आपको यहाँ पर भी इमेजेस दिखाई जाएंगी कि ऑटर कैसा होता है। और डिस्क्रिप्शन की बात करें तो ऑटर्स हैव लॉन्ग स्लेंडर बॉडी विद डेंस ग्लॉसी ब्राउन फर फ्रॉम हेड टू टो, यानी ऑटर्स का लंबा पतला शरीर होता है और इस पर घना घना चमकदार भूरे रंग का फर होता है, यानी रोएदार खाल होती है उसकी, और सिर से पैर तक वो पूरा फरदार होता है। दियर लेंथ वेरीज बिटवीन 38 to 44 inches, और इनकी लंबाई 38 से 44 इंच के बीच रहती है। एंड दे वे बिटवीन 10 to 30 pounds, और इनका वजन 10 से 30 पाउंड्स तक रहता है। एंड दे, और यहाँ पर जो होना चाहिए वो हमारा होना चाहिए ओनली वे, यहाँ पर वो कैंसिल हो जाना चाहिए, टी इसमें नहीं रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद
दे हैव शॉर्ट लेग्स वेब टोज एंड टेपर्ड मस्कुलर टेल्स। उनके छोटे छोटे पैर होते हैं, जालीदार उनके उंगलियां होती हैं पैरों में, और जो पूंछ होती है टेपर्ड होती है, यानी कि ढलान वाली, मोटी से पतली होती हुई, ठीक है, जैसे डायनासोर टाइप की होती है उस तरह की। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इन्फॉर्मेशन डिड द ऑथर गिव अस अबाउट ऑटर्स। लेखक हमें ऑटर्स के बारे में क्या जानकारी देता है, और व्हाट ग्रुप ऑफ एनिमल्स डू ऑटर्स बिलोंग। अभी आपने ऑटर्स के बारे में डिस्क्रिप्शन देखा था कि ऑटर कैसा होता है, यहाँ पर लेखक ने ऑटर्स के बारे में हमें क्या क्या जानकारी दी वो पूछा गया है। तो इसका आंसर है, द ऑथर इन्फॉर्म्स अस दैट ऑटर्स बिलोंग टू अ कंपैरेटिवली स्मॉल ग्रुप ऑफ एनिमल्स कॉल्ड मस्टलाइंस। ऑथर हमें ये इन्फॉर्म करता है कि ऑटर्स जानवरों के एक छोटे समूह से बिलोंग करते हैं, जिस समूह का नाम है मस्टलाइंस, यानी कि सभी की एक फैमिली होती है, जैसे इंसानों की फैमिली होती है और उसमें विभिन्न प्रकार के एक जैसे दिखने वाले प्राणी होते हैं, वैसे ही जीव जंतुओं की, चाहे वो फूल हों या फिर किसी टाइप के पौधे हों, जड़ी बूटियाँ हों या फल हों, वो एक जैसी दिखने वाली चीज़ों का एक अलग ग्रुप होता है जिसे फैमिली कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑटर जिस फैमिली से बिलोंग करता है उसे मस्टलाइंस कहा जाता है, और मस्टलाइंस के मेंबर्स यहाँ पर दिए गए हैं कौन कौन हैं। अदर एनिमल्स ऑफ दिस स्पेसीज वर मिंक, स्टोट, मंगूज, बैजर एंड वीजल। ये इतने प्रकार के इसमें जीव जंतु शामिल होते हैं जो आपको कंपैरेटिवली नेवले से मिलते जुलते दिखाई दे सकते हैं। नेक्स्ट, ही ऑल्सो इन्फॉर्म्स अस दैट ऑटर्स आर सो कॉमन इन टाइग्रिस मार्श। वो लेखक हमें आगे ये भी बताता है कि ऑटर्स टाइग्रिस यानी टिग्रिस मार्शेस में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। वेयर दे आर टेम्ड बाई द अरब्स, जहाँ पर अरब लोग उन्हें पालतू बना लेते हैं। ही ऑल्सो टेल्स अस दैट ऑटर्स लव वाटर। वो हमसे ये भी कहता है कि ऑटर्स को पानी बहुत पसंद है, बाथरूम में छपछपाचप करना, टब में पानी को बाहर फेंकना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई वाज द ऑटर नेम्ड मैक्सवेल्स ऑटर। ऑटर का नाम मैक्सवेल्स ऑटर क्यों रखा गया, क्योंकि वो प्रजाति जो थी वो अननोन थी। एंड द आंसर इज, मिजबल द ऑटर बिलोंग टू अ रेस प्रीवियसली अननोन टू साइंस। मिजबिल नाम का ऑटर, यानी मिजबिल जो नाम रखा था वो लेखक ने पालतू का नाम रखा था, जैसे कि कुत्ते का नाम टॉमी रख लेते हैं उसी प्रकार से। तो मिजबिल ऑटर जो था एक विज्ञान से अनभिज्ञ प्रजाति का एक प्राणी था, यानी उसकी प्रजाति का पता नहीं था। सो इट वॉज क्रिश्चन्ड बाई जूलॉजिस्ट्स। तो जंतु विज्ञानियों ने इसका नाम रखा लूट्रोगेल परस्पिसलेटा मैक्सवेली, लूट्रोगेल परस्पिसलेटा मैक्सवेली, या सिंपली मैक्सवेल्स ऑटर, इसलिए उसका नाम मैक्सवेल्स ऑटर रख दिया गया। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, व्हाट स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिजबल डिड मैक्सवेल लर्न आफ्टर ही टुक हिम टू द बाथरूम। यानी जब लेखक मिजबल को बाथरूम में लेकर गया तो कौन सी विभिन्न प्रकार के, कौन से विशेष गुणों के बारे में उसने जाना। मैक्सवेल लर्न्ड दैट ऑटर्स रन वाइल्ड व्हाइल इन वाटर। मैक्सवेल ने ये जाना, यानी कि मैक्सवेल ने उसको बाथरूम में ले जाने के बाद ये जाना कि ऑटर्स बिल्कुल पागल से हो जाते हैं, यानी बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाते हैं पानी में। द प्लंज एंड रोल इन इट, बिल्कुल गोता लगाते रहते हैं इसमें, गोल गोल लुढ़कते रहते हैं। They shoot up and down the length of the bathtub underwater. और पानी की लंबाई और गहराई में वो छलांग लगाते ही रहते हैं। They also spread water like a hippo. और हिप्पो की तरह वो भी पानी को छपछपाचप फैलाते रहते हैं, यानी हिप्पोपोटामस जितना पानी को पसंद करता है उसी प्रकार से ये भी पसंद करता है। The otters think that water should be splashed until it overflows. ऑटर्स ये सोचते हैं कि
पानी बिल्कुल तब तक छप छपाया जाए जब तक कि वो बाहर ना निकलने लगे। बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। तो दीज आर सिक्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर मिजबिल द ऑटर रिटन बाय गैविन मैक्सवेल। आई होप दीज क्वेश्चंस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू फॉर यूपी बोर्ड एग्जाम्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर टू ऑल योर नीडी पीपल।